हाँ जी, अभी हमने करना है फैराडे लॉ। ये आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फैराडे लॉ दो हैं, पहला और सेकंड। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट लॉ ये कहता है, डेफिनेशन वगैरह तो वैसे ही आपने याद नहीं करनी है, लेकिन आप इसके मीनिंग समझ लीजिए। ये कहता है कि जितना आप करंट या चार्ज जो है, चार्ज किसको बोलते हैं, 10th में पढ़ा था, क्यू लिखते हैं चार्ज को। और चार्ज क्या होता है, आई इंटू टी। क्यू की यूनिट होती है आपकी कूलम। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो मास है, कोई भी इलेक्ट्रोड पे, आपको पता है जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले रहे थे, तो एक जगह पे सोडियम बन रहा था, इस साइड सोडियम बन रहा था, इस साइड क्लोरीन बन रहा था। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ कोई भी जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा आप कितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी पास करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी क्यू में मेजर की जाती है, कूलम में। और क्यू जो होता है, इट इज इक्वल टू आई इंटू टी। और याद रखना है, आई की यूनिट एम्पियर लेनी है, टेम्परेचर की यूनिट सेकेंड लेनी है। अगर मीटर में दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है, चेंज इट टू सेकेंड। तो ये कहता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। जैसे वो कॉपर वाला किया था, तो आपने देखा था कॉपर जो है वो एनोड पे, कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है, मान लीजिए एम डिपॉजिट हुआ, कई जगह डब्ल्यू भी लिखा होगा, तो जैसे आप देख लीजिएगा। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए यहाँ पे जेड या जी लगा देते हैं। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट बोलते हैं। अब ये क्या होता है वो अभी बता देते हैं। तो एम क्या आ गया, मास क्या आ गया, जेड आई इंटू टी। मान लो आपको करंट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, और आपको बोला हो कि कितना मास डिपॉजिट होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है, आपको चार्ज दिया होता है कि इतने कूलम मैंने चार्ज पास किया, कितना मास जो है वो डिपॉजिट होगा, तब भी आप निकाल सकते हैं। या फिर कभी कभी मास दिया होता है कि मेरे पास 40 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, तो मुझे कितना या तो चार्ज डालना पड़ेगा, मतलब क्यू निकालना पड़ेगा, या कि इतने समय के लिए टाइम दिया हो तो आई निकालना होगा, या टाइम बताया होगा, इस तरह से। अब बात ये जेड, ये जेड है क्या, तो देखिए जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट भी होते हैं, इक्वेशन लिखकर भी हो सकते हैं, और ये फॉर्मूले से भी हो सकते हैं, वो आप डिसाइड कीजिए। आप फॉर्मूले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल सा यही फॉर्मूला पुट कर देना है। अब बारी आती है ये यूनिट्स, ध्यान रखिए, ये ग्राम में आएगा। ये जेड का भी बता देते हैं, ये जो आई है ये एम्पियर में लेना चाहिए, और टाइम सेकंड में। टाइम मिनट में दिया जाता है, आप उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है ये जेड क्या होता है, जेड का मतलब है मोलर मास डिवाइड बाय एन इंटू एफ। अब ये एन क्या है, सपोज, एक मिनट रुक जाइए, दोबारा मैं बता रही हूं। ये एन क्या होता है, एन का मतलब होता है कि सपोज आपके पास मान लीजिए कॉपर है, कॉपर चाहे डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर बन रहा है, तो कॉपर किससे बना होगा, कॉपर 2+ से बना होगा। तो आपको पता ही है ये एन का मतलब होता है चार्ज, मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होता है, मतलब कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने या गेन करे होंगे तभी ये कॉपर बना। तो एन है यहाँ पे 2। और मान लो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, तो क्लोरीन गैस किससे बनेगी, Cl- से बनेगी। जब Cl- से जब क्लोरीन गैस बन रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 Cl है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये लॉस करेगा Cl-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन Cl- लॉस करेगा, हमें कितने चाहिए, 2 Cl। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे, -2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मेटल के केस में दिक्कत नहीं होती है, मेटल मतलब अगर मान लो सोडियम है, आप इक्वेशन नहीं भी लिखते, आप ये देखिए सोडियम पे चार्ज कितना होता है, 1 होता है, एन की वैल्यू 1 होती है। कॉपर है, कॉपर के ऊपर चार्ज होता है 2+, तो उसकी वैल्यू 2 होती है। निकल है, निकल के ऊपर भी 2+ चार्ज होता है, वो आपको फॉर्मूले से भी लिख जाएगा, वहां पे लिखा होगा ये वाला, मान लीजिए निकल सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनमें दिक्कत नहीं होती है मेटल में, मेटल में आपको मैंने पहले भी बताया था, मेटल पे जितना चार्ज है वो जो नॉर्मेलिटी वाला बताया था उतना। दिक्कत होती है यहाँ पे ये क्लोरीन पे, तो ये ध्यान रखिए क्लोरीन किससे बना है, Cl- से बना है। Cl- एक नहीं होगा, एन यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये Cl- कैसे Cl2 बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगा, तो एन की वैल्यू होती है 2।
बस इनमें दिक्कत आती है, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आती है। तो z मोलर मास डिवाइड बाय n और f, f फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू शायद होती है 9648 करके होती है। नहीं मैम 96500। अरे वो तो होती है एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता रही हूँ तो, लेकिन आपने कैलकुलेशन में ये वाली लेके चलनी है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 96498 या 68 होती है, अभी मैं बता दूंगी, लेकिन आप ये लेके चलेंगे, कैलकुलेशन आपने इससे करनी है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए, आप मास के जरिए चार्ज या करंट निकाल सकते हैं और आप करंट या चार्ज के जरिए मास भी निकाल सकते हैं कितना डिपॉजिट होगा। तो दूसरा लॉ आता है, ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, ये कह रहे हैं, आप लैंग्वेज नहीं बताऊंगी, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये वही चीज है इसको, ये कह रहे हैं मान लो आप दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ देते हो। तो पहली बात, सीरीज में जोड़ने का मतलब ये है कि देखिए इसमें मैंने देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर ज्वाइन कर दिया, नेगेटिव इधर जोड़ दिया, बाकी सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के इधर के साथ जोड़ दिया, तो हमारा देखो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर वो इधर ट्रांसफर होंगे, फिर ऐसे जाके हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम दो तीन जो है सीरीज में जोड़ सकते हैं। अब आपने 10th में पढ़ा था कि जब भी दो चीजों को सीरीज में जोड़ा जाता है आई क्या होता है, सेम रहता है, इसका मतलब इसमें भी करंट सेम पास होगा, इसमें भी करंट सेम पास होगा। जब आई सेम है टाइम भी सेम है, क्योंकि भाई जब उतने समय के लिए पास करेंगे भाई सीरीज में जुड़े हुए हैं, दोनों में 10-10 मिनट मान लो पास हो रहा है, मतलब क्यू भी सेम है। तो सीरीज में क्या होता है, क्यू सेम है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि जो मास डिपॉजिट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो इन्होंने जो है डेरिवेशन करने के बाद, उसी फॉर्मूला से करने के बाद, डेरिवेशन करने के बाद ये निकाला कि अगर इस तरह से कोई भी दो सेल जो है जुड़े हों सीरीज में, तो मान लीजिए यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये कह रहे हैं तो इन दोनों के जो मास का रेशियो है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, इट इज इक्वलेंट टू इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर, अभी बताऊंगी इक्वलेंट वेट क्या होता है, डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर। वो जो फॉर्मूला अभी बताया था ना, एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, तो आई इंटू टी तो वैसे ही कट जाएगा, तो एफ से एफ कट जाएगा। असल में ये जो इक्वलेंट मास होता है, दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन, तो ये लिख लो कहीं पे, इक्वलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन। तो उसी फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि आई यहाँ ऊपर आई इंटू टी भी होता वो कट जाता, जेड से जेड डिवाइड करते तो एफ से एफ कट जाता, तो इक्वलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन। कॉपर के केस में इक्वलेंट मास जो होगा मोलर मास डिवाइड बाय टू आएगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर टू प्लस चार्ज होता है, और सिल्वर के केस में इक्वलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, सिल्वर का इक्वलेंट मास होता है 108 लेते हैं, असल में होता है 107.8, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो 107.9 या 8 लो तो वो लेके चलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो आप 108 से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें n की वैल्यू 1 है। ये दो फॉर्मूले से हम सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब आप ये मैंने वही चीज लिखी हुई है, अब फैराडे का मतलब क्या होता है, फैराडे का देखिए मतलब होता है, देखिए ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन ले रही हूं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है तो एक मोल पे कितना होगा, मैं 6.022 × 10⁻²³ से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये पता लगता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96490 कूलम, या इसको हम लेके चलेंगे 96500 कूलम, अप्रोक्सीमेटली हम इतना ही लेके चलेंगे, कैलकुलेशन हम इसी से करेंगे 96500 से, असल में होता है इतना है। उसके बाद इसको इन्होंने अज्यूम किया है कि एक 96500 कूलम जो है मेरा ये एक फैराडे के बराबर है, तो इन्होंने ये अज्यूम कर दिया कि दिस इज इक्वल टू जो है 1 फैराडे।
तो ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर आप वही आपके दिमाग में आ रहा है एक फैराडे होता कितना, एक फैराडे का मतलब होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज हो। अच्छा अब मैंने कहा था आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो वही मैंने जो आपको पहले बताया था कि मान लो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम बनता है और हाफ सीएल टू बनता है, तो सोडियम जो है एनए प्लस को एनए बनने के लिए आप खुद सोचिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल एनए बनेगा, एक मोल एनए मतलब 23 ग्राम। तो या फिर क्लोरीन के लिए हमने कैसे निकाला, ये देखो ये डायरेक्ट मेथड बता रही हूं, मैंने आपको कहा कि क्लोरीन सीएल माइनस से सीएल टू बनेगा तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, क्योंकि सीएल टू बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सीएल टू बनेगा, तो मतलब 2 फैराडे से दो कितना सीएल टू बनेगा, 1 मोल सीएल टू का मतलब हो गया 71 ग्राम, क्योंकि एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। ऐसे ही ये कॉपर का भी बताया हुआ है कि 2 मोल कॉपर से 1 मोल कॉपर बनता है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इनडायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जब 3 मोल मतलब 2 फैराडे से मान लीजिए ये कॉपर है 1 मोल बन रहा है मतलब 63.5 बन रहा है, तो मैं कह दूं 40 ग्राम कॉपर कितने से बनेगा, तो आप 60 वो उस हिसाब से निकाल लेंगे, जब 2 फैराडे से 63.5 बन रहा है तो 1 ग्राम जो है वो कितने से बनेगा डिवाइड बाय कर देंगे, और 40 ग्राम कितने से बनेगा उस हिसाब से हम ये कर लेते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो है मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन आप देखेंगे 1, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, चार्ज का मतलब आपको क्यू निकालना है कूलम में, जब 1 मोल कॉपर 2+ कॉपर में चेंज होगा। याद रखना है कॉपर 1 मोल ही रहना चाहिए, अगर मान लो यहाँ 2 मोल आ जाता तो 2 मोल का निकालते, अभी तो 1 मोल का निकालना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अभी मैं इसको आपको बता रही हूं करके, पहले क्वेश्चन आपको अगर पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया क्वेश्चन कि हमें क्यू निकालना है। yes, ma'am. ठीक है, जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूला से ही निकालें, इसमें फॉर्मूला वैसे भी नहीं लग पाएगा, मतलब टाइम लगेगा, लग तो जाएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, 1 मोल कॉपर होना चाहिए, याद रखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 मोल रहना चाहिए, मतलब मान लो ये मान लीजिए मैं कहती 1 मोल HCl होना चाहिए, तो ये जो Cl माइनस है ना ये 1 ही रहना चाहिए, ये जो Cl2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ कर देंगे, तो मतलब 1 मोल मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कॉपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 मोल कॉपर ही होना चाहिए, तो पहले मैंने कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो यहाँ 1 ही रखना है, यहाँ पे गलती से 2 मत कर देना, 2 मोल के लिए निकल आएगा, 2 मोल के निकलता तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लगते, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, मतलब क्यू क्या आ जाएगा मेरा 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल के लिए 2 फैराडे का मतलब कितना हो गया 193000 कूलम। ये समझ में आया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, 1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे करंट चाहिए होगा, तो ये आ जाता है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट मेथड किया ये, क्योंकि उन्होंने कहा कितना करंट चाहिए होगा मुझे 1 मोल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ओके मैम। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 मोल MnO4- को मैंगनीज 2+ बनाने में, पहले जो मैंने सर्कल किए हैं उसी को देखिए, वो क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं कि 1 मोल, ये 1 मोल रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके आगे 1 लिखा है, फिर बैलेंस कर दो, मान लो यहाँ पे इधर 2 होता तो इधर यहाँ पे 2 लिखना पड़ता हमें, तो 1 मोल है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ 1 ही है, तो 1 मोल है ये, इसको मत देखो अभी, ये इलेक्ट्रॉन को मत देखिए, इनको देखिए, 1 मोल। ठीक है, अब मैंने बैलेंस कर लिया, किसको बैलेंस करना है, मैंगनीज को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन का क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं है। अब चार्ज देखिए कितना चार्ज घटा या बढ़ा होगा, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इस साइड है +7, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इस साइड कितना है +2, एक मैंगनीज इस साइड है,
तो एक मैंगनीज को प्लस टू बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, या तो लॉस करेगा या गेन करेगा, तो ये गेन करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे एक मोल को, तो इसका मतलब मेरा क्यू कितना आ जाएगा, 5 फैराडे, क्योंकि भाई एक मोल को 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 5 फैराडे, 5 फैराडे मतलब 5 × 96500 कूलम, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होगा इस पे ध्यान मत दीजिए। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता Mn, मान लो ऐसे होता कुछ, और इससे मैं कहती कि एक मोल मैंगनीज ऑक्साइड से कितना मैंगनीज बनेगा, पहली बात तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 रखना है आगे की तरफ, यहाँ 2 है तो बैलेंस करो। अब मान लो यहाँ पे +4 चार्ज है, +4 चार्ज से +2 बनने के लिए एक एटम को कितने चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना है इस साइड, 2 है, एक मोल में 2 मैंगनीज है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि ये आगे की तरफ 1 होना चाहिए, आगे की तरफ, बीच में मॉलिक्यूल में 1 है 2 है 3 है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो एक एटम को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मान लो यहाँ नीचे होता 2, तो ये कितने आते, 10 इलेक्ट्रॉन आते, क्योंकि भाई एक मोल में कितने मैंगनीज हैं, 2 हैं, अगर मान लो यहाँ 2 होता, लेट अस सपोज। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें सेम ऐसा ही है, पढ़ लीजिए इसको, क्वेश्चन सेकंड को रीड कर लो जल्दी से। कर लिया रीड, मतलब आपको क्या निकालना है, कूलम निकालना है, 1.5 मोल है। सपोज कोई बच्चा मुझे अभी पूछे कि मैम यहाँ पे 2 मोल दिया होता, तो आप वो जो 1 जहाँ लिखा हुआ है वहां 2 लिख के करिए ना, क्या इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन में सिर्फ हमें मतलब, जैसे इसमें वाटर है, वाटर में H2O से ऑक्सीजन बन रहा है, 1 मोल वाटर चाहिए, तो हमें, आप कोई बच्चा कहे हाइड्रोजन का क्या होगा, उसका क्या करना है, मैंने हाइड्रोजन के बारे में नहीं पूछा तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम इक्वेशन में सिर्फ यही लिखेंगे। तो अब ये पढ़ लिया होगा सबने, अब ये देखिए 1 मोल मैंने वाटर का है, 1 मोल, तो यहाँ पे मैंने 1 मोल लिखा है, ये 1 मोल है, 1 मोल को ऑक्सीजन बनाना है, तो पहले तो बैलेंस कर लिया यहाँ पे, क्योंकि 1 मोल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ हाफ कर दिया आगे, तो इसका मतलब O2 के ऊपर कितना चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, 1 O2 है, मतलब 1 ऑक्सीजन एटम या आयन है, तो 2 माइनस से 0 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो कितना करंट लगेगा, 2 फैराडे। मान लो यहाँ पे मैं कह रही थी 2 मोल, तो भाई यहाँ पे 2 होता तो इधर हाफ आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक तो यहाँ कितने आ जाते इलेक्ट्रॉन, 4 आ जाते। अब किसी को समझ में आया यहाँ 4 क्यों आए, मान लो यहाँ 2 मोल वाटर होता, क्योंकि भाई 1 O2 को 0 बनने के लिए 2 माइनस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ 2 कितने O2 है, 2 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये समझ में आया कि भाई अगर 2 मोल होता तो हम क्या करते, यहाँ 2 मोल लिखते, उस हिसाब से जितने O2 एटम आते हैं। तो ये तो इतना ये सिंपल सा था, इसको दोबारा देखिएगा, ये मैं भी ग्रुप में डाल दूंगी। अब नेक्स्ट आता है, एक मिनट सॉरी, आता है वो कह रहे हैं 1 मोल, 1 मोल FeO से मुझे Fe2O3 बनाना है। 1 मोल इस साइड रखा है मैंने, इस साइड नहीं रखा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने इसको बोला है 1 मोल चाहिए। अब आप देखिए कॉमन क्या है इनके अंदर, Fe कॉमन है, ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 चार्ज ही रहेगा, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +3 है, मुझे इस ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, तो Fe2+ से क्या बन रहा है, Fe3+। अब कोई बच्चा कहे क्यों मतलब नहीं है भाई, दोनों में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है ना, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है ना इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मुझे इससे क्या मतलब है, मतलब ये तो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा, डिपॉजिट कौन होगा जिसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, तो Fe2+ से, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ही रखना है मुझे, और 1 मोल FeO में 1 मोल Fe2+ होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 रखा है, मैंने उस हिसाब से यहाँ पे Fe3+ लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अगर मान लो कोई बच्चा कहता है अच्छा मैम ऐसे उल्टा होता, मतलब ये ऐसा होता, मान लो कोई बच्चा कहे मुझे ऐसा होता और यहाँ पे मैम ये 1 मोल होता, तो बेटा फिर मुझे यहाँ पे 2 Fe3+ लिखना पड़ता, क्योंकि भाई 1 मोल Fe2O3+ में कितने Fe हैं, भाई 2 हैं,
एक Fe को एक इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो दो Fe3 प्लस को Fe2 प्लस बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, दो लगेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसे बोला तो यहाँ वन मोल रखना है, इस वन मोल में एक ही Fe है, ठीक है, तो Q कितना आ जाएगा, वन फैराडे। समझ आया? ये इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं, अगर जो है कोई दिक्कत होगी, ऐसे ही बेटा इधर देख। अगर ये बोलो, अगर वो प्रोडक्ट के साइड में टू होगा नीचे जैसे Fe2 होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता कोई? क्या समझ नहीं आया ये, इस पे लिखो, इस पे लिख के बताओ क्या कह रहे हो तुम, इस पे लिख के बताओ स्क्रीन पे। लिख रहे हो थ्री? मैम वो कह रहा था कि प्रोडक्ट के साइड में टू होगा तो उसके साथ में कौन से प्रोडक्ट के, अच्छा इसके टू, अच्छा इसके टू से हाँ। नहीं बेटा मैंने इधर बोल दिया ना एक मोल है, मैंने इस हाँ, अगर मैंने बोल दिया होता कि प्रोडक्ट दो मोल बन रहा है तब मैं प्रोडक्ट के हिसाब से लिखती, लेकिन अभी क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है कि एक मोल FeO को कन्वर्ट करना है मुझे, अगर बाई चांस मैं कह देती कि मुझे जो है एक मोल Fe2O3 बन रहा है तब मुझे इसके टू से फर्क पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक मोल लिखती इसके हिसाब से करती। अगर दोबारा सुनिएगा, मैं मेरी लैंग्वेज सुनिएगा, मैं ये कह रही हूँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मोल FeO से बनेगा, कितना बनेगा एक मोल के लिए, तब तो हम इस FeO के पे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाता उन्होंने प्रोडक्ट का जिक्र किया होता कि एक मोल Fe2O3 बन रहा है तो अब उन्होंने इसका अमाउंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तब मैं इसके अमाउंट से लेके चलती, इसको एक मोल रखती, इसको मैं चेंज कर सकती थी इसके हिसाब से, फिर यहाँ पे भाई यहाँ पे 2Fe आ रहा है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कर देती, अगर उन्होंने प्रोडक्ट का जिक्र किया होता। ये नहीं है कि प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगी, अगर क्वेश्चन में कह देते एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं फिर प्रोडक्ट को एक मोल रख के फिर बैलेंस करके देखती, ठीक है भावेश? ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने रिएक्टेंट की बात की है एक मोल रखने की, तो मैंने रिएक्टेंट को एक मोल रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो प्रोडक्ट की बात कर देते कि एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है फिर मुझे फर्क पड़ता, फिर मैं उसको एक मोल इसके आगे वन लिख देती कि ये वन जो है ये मैं चेंज नहीं करूंगी, तो इसीलिए मैंने आगे, आप भी ऐसे करिए, जरूरी नहीं है कि ये वन लिखने की जरूरत थी मुझे, लेकिन मैंने ये वन लिखकर ये दिखा दिया कि मैं इस वन को चेंज नहीं करूंगी बैलेंस करते टाइम भी, चेंज किसको कर सकती हूँ, इसको चेंज कर सकती हूँ इसके हिसाब से, ठीक है, तो अगर इसके आगे वन आ जाता तो मतलब ये दो Fe होते कन्वर्ट। ऐसे ही आप इधर देखिए, अगली बार बोला है उन्होंने कि एक मोल H2O2 से O2 बनना है, अब आप खुद सोचेंगे H2O2 में एक मोल ये रहना चाहिए, एक मोल का मतलब है इसमें दो ही ऑक्सीजन रहने चाहिए, चलो इधर भी दो ही ऑक्सीजन है, H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है और यहाँ होता है जीरो चार्ज, और आपको पता है माइनस वन को जीरो बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, दो, भाई पर एटम बता रही हूं, पर एटम ये होगा, पर एटम एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे कितने एटम है, दो एटम है तो दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, तो कितना चाहिए, दो फैराडे चाहिए, तो ये इस केस में इधर भी अगर मैं वन कर देती, मैं कहती एक मोल ऑक्सीजन बन रहा है तो आप खुद सोचिए ऑक्सीजन में भी इधर दो एटम है इधर दो एटम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ये आपने देख लेना है। ये समझ में आया सबको? जी मैम, यस मैम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को पहले तो पढ़ लें। ना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से दो एम्पियर करंट पास किया जाता है 30 मिनट के लिए,
तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? M इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी. तो अब I मेरा 2 एम्पियर है. टाइम का ध्यान रखिएगा, ये मिनट में दे रखा है, आपको किस में लेके चलना है? सेकंड में. अब बारी आती है ये Z की. Z क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय NF. मोलर मास कॉपर का कितना है? 63.5. N कितना होता है कॉपर के केस में? कोई बच्चा बताए N कितना होता है? N मतलब चार्ज इज इक्वल टू 2. और फैराडे मतलब 96500 कूलम. तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आगे वो आप देख लीजिएगा. ये फोर्थ क्वेश्चन अभी बाद में कराएंगे. अब ये क्वेश्चन मुझे 5 बताओ, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन या नहीं? निकालो. अगर 40.5 ग्राम अल्युमिनियम डिपॉजिट होता है तो कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देंगे. कैसे कर देंगे भाई? 3 फैराडे से 1 मोल अल्युमिनियम मिलता है. 1 मोल अल्युमिनियम का मतलब है 27 ग्राम अल्युमिनियम मिलता है. इसका मतलब 27 ग्राम अल्युमिनियम के लिए मुझे कितने फैराडे चाहिए? 3 फैराडे चाहिए. तो 1 ग्राम के लिए 3 फैराडे का मतलब है 3 × 96500 कूलम, क्योंकि कूलम में निकालना है. तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? डिवाइड बाय 27. 40 के लिए कितना चाहिए होगा? 40.5 के लिए आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, किसी बच्चे से डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट कर लेना. अगर कोई बच्चा कहे भाई मैम इनडायरेक्ट वाला ही बता दो, फॉर्मूले वाला बता दो, तो देखो क्यों निकालना है. अब देख लीजिए, M इज इक्वल टू Z इंटू क्या होता है? आई होता है. भाई M दिया हुआ है आपको, सॉरी Z इंटू क्यू होता है. सॉरी दोबारा से लिख रही, M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू होता है. अब मास दिया हुआ है, Z आपको निकालना पड़ेगा. तो बेटा मास क्या होता है? 40.5. Z क्या होता है? मोलर मास. मोलर मास है 27 डिवाइड बाय N. N क्या है इस केस में, एल्यूमिनियम के केस में? 396500 फैराडे जो भी है कूलम. तो ये शिफ्ट करेंगे Q निकल आएगा. तो फॉर्मूले से भी निकल आएगा, डायरेक्ट भी निकल आएगा. अगर डायरेक्ट हो जाता है तो डायरेक्ट कर दो. ठीक है, ये मैंने दोनों लिखे हुए हैं वहां पे. समझ आ गया? अब क्वेश्चन 6 देख लीजिए, ये भी सेम ऐसा ही है. क्लोरीन कितना बनेगा अगर आप करंट 1 एम्पियर 15 मिनट के लिए पास करेंगे? तो बेटा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट से ना क्यू निकल आता है, कूलम निकल आते हैं. तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं. अब कोई बच्चा कहे भाई मैं तो ऐसे करना चाहूंगा, क्योंकि भाई मुझे करंट दिख रहा है, M निकालना है. तो बेटा Z का ध्यान रखना है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, बस T जो है सेकंड में ले लेना. अब Z की बात आती है, क्लोरीन के लिए Z क्या लें? तो बेटा क्लोरीन का मास कितना होता है? मोलर मास 71 डिवाइड बाय N. N कितना होता है क्लोरीन के लिए, मुझे जल्दी से बताओ. अभी बताया था मैंने, क्योंकि Cl- माइनस से Cl2 बनेगा. 1 मोल क्लोरीन कितने? 2. 1 नहीं 2, क्योंकि भाई Cl माइनस जो है वो Cl बनेगा, और 2 क्लोरीन जुड़ेंगे तब जाके Cl2 बनेगा. तो Cl2 बन रहा है, तो Cl2 के लिए मैंने आपको इसीलिए बोला था, मेटल में तो हमें N की वैल्यू आराम से पता लग जाती है, ये जो Cl2 वगैरह होते हैं ना इनके लिए गड़बड़ होती है, 2 होती है इसकी वैल्यू. तो जो क्लोरीन है इसके लिए मोलर मास आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, ये Z की वैल्यू आ गई. अब कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो डायरेक्ट करना चाहता हूँ, लो जी डायरेक्ट कर लो आप. सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है ना उधर जाएंगे, क्योंकि Cl- से क्या बनेगा बेटा? Cl2 बनेगा. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब 2 फैराडे से, 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम से 1 मोल क्लोरीन बन रहा है. 1 मोल क्लोरीन का मतलब है 71 ग्राम. मास निकाल लो, ये कूलम में आ गया. अब मुझे कितना करंट दिया हुआ है, तो इस करंट और टाइम से क्यू निकाल लो. जब 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम से 71 ग्राम बनता है, तो 1 कूलम से कितना बनेगा आप निकाल लेंगे. तो ये जो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके जो कूलम आएंगे, फिर उस कूलम से कितना आएगा तब भी आप निकाल सकते हैं. तो ये दोनों तरीके से हो जाएगा, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी. अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं जल्दी से समझाऊंगी 7 को. क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन है. इससे मुझे पता लग गया निकल पे 2+4 है, चलो काम आएगा अगर जरूरत है. 5 एम्पियर करंट 30 मिनट के लिए फ्लो करता है, कितना निकल बनेगा? डायरेक्ट कर लो,
मास निकालना है जेड इंटू आई इंटू टी, आई दिया हुआ है, टाइम को सेकंड में लेंगे। अब बारी आती है जेड की, जेड क्या होगा, मोलर मास। निकल का मोलर मास कितना होता है, 958.7 डिवाइड बाय 2, क्योंकि निकल के ऊपर कितना चार्ज है, 2 इंटू 96500 कूलम। तो ये आपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई बच्चा कहे इनडायरेक्ट कैसे करेंगे भाई, निकल 2 प्लस से क्या बन रहा है, निकल बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, तो वही 2 फेराडे से, तो वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, कभी कभी लंबे हो जाते हैं, कभी कभी सही रहता है। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 ग्राम कैल्शियम बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड से, तो बेटा 20 ग्राम जब कैल्शियम बन रहा है, मैं एक ही बताऊंगी, कैल्शियम बन रहा है किससे बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब इससे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 फेराडे से 1 मोल बनेगा। या इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, मास आपको जेड इंटू क्यू कूलम निकालना है, तो क्यू लिख दो यहाँ, तो मास आपको 20 ग्राम दे रखा है, जेड कैसे लिखेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय एन एफ, कैल्शियम के केस में एन कितना आता है, 2 आता है, तो डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट कर लो, इनडायरेक्ट हो जाए तो इनडायरेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे ही अल्युमिनियम बन रहा है, किससे बन रहा है, इसमें कोई 50 ग्राम बन रहा है अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम की क्वांटिटी हमें ध्यान रखनी है, तो हमें पता है अल्युमिनियम 3 प्लस से अल्युमिनियम बनता है, तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे बैलेंसिंग का ध्यान नहीं देना, बैलेंसिंग का ज्यादा ध्यान दिया जाता है जब कूलम वगैरह दिए हो, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, उस हिसाब से निकल आएगा आपका। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने तो वैसे किया हुआ है, इनडायरेक्ट किया है शायद, पता नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, सॉरी 7 ही 4, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। ये कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक है सिल्वर नाइट्रेट का, एक कॉपर सल्फेट का, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो याद रखिए कौन सा लॉ यूज होने वाला है, सेकेंड लॉ। कह रहे करंट पास करते हैं 2 एम्पियर का, इतने ग्राम सिल्वर बन जाता है, कितने टाइम के लिए पास किया होगा और कितना वेट आया होगा कॉपर का। अब कॉपर जो है, अब इसको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, ये रहा सॉरी ये। अब आप देखिए भाई, मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, करंट तो मतलब दोनों में सेम ही पास होगा, टाइम निकालना है, मास दिया हुआ है सिल्वर का कॉपर का निकालना है, तो आप खुद सोचिए, मैंने सेकंड लॉ लगाया भाई, कॉपर का मास निकालना है, सिल्वर का दे रखा है इक्विवेलेंट मास, मुझे कॉपर का पता होता है मोलर मास डिवाइड बाय 2, सिल्वर का होता है मोलर मास डिवाइड बाय 1। अब कोई बच्चा कहेगा मैम यहाँ पे आपने 108 क्यों नहीं लिया, 107.8 क्यों लिखा, भाई क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो मैं अप्रोक्सीमेट ही लेती, 108 लेती सिल्वर का, ठीक है। तो अब मुझे कॉपर का मास पता लग गया, तो ये कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे। अब बारी आती है ये टाइम निकालो, अब टाइम कैसे निकलेगा, टाइम का तो एक ही फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, चाहे सिल्वर वाली इक्वेशन यूज कर लो, चाहे कॉपर वाली मास की यूज कर लो, दोनों में आई और टाइम तो सेम ही है, तो कोई भी, मैंने यहाँ पे सिल्वर वाली यूज कर ली है, क्योंकि बाई चांस मान लो मेरी कॉपर में गलती आई हो तो वो फिर टाइम में भी गलती आ जाएगी, सिल्वर का मास तो गिवन था इसलिए मैंने इससे निकाल लिया। जेड कितना आता है सिल्वर के लिए, मोलर मास डिवाइड बाय एन एफ, एन कितना होता है 1, टाइम निकाल लिया, सेकंड में निकल आएगा। ऐसी कॉपर का भी लेके निकाल सकते थे, जिसका मर्जी लेके निकालिए, ठीक है। यही क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना, उसके अंदर 3 सेल्स को बताया हुआ है सीरीज में, इसको इसको इसको, तो आप खुद सोच सकते हैं ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में आपस में, तो आप इस हिसाब से जो भी कंडीशंस दे रखी हैं, मान लो मुझे जिंक का मास दे रखा है, सिल्वर का निकालना है निकाल लूंगी, मान लो कॉपर का निकालना है, कॉपर के लिए मैं ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकती हूँ, ये वाली भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे जिंक का पता है। ठीक है बेटा, ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कराया है, क्योंकि हमने जो है, मैंने आपको बता दिया है कि हमने कोर्स कंप्लीट करवाना है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से ही करेंगे, शुरू में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आराम से ही करेंगे।
तो आराम से करेंगे, एंड में अगर कोई चीज रह जाती है तो उसको जल्दी करेंगे। तो अभी मैं जो है बायो मॉलिक्यूल्स करा दूंगी कल स्टार्ट, ठीक है? ये बेटा इसमें कोई दिक्कत होगी तो ये आप मेरे से बाद में पूछ लेंगे। आयुष रोक दो रिकॉर्डिंग।